गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज़ सना. कुछ लोग मुझे जानते भी हैं यहाँ पर और जो नहीं जानते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है TFC में. और TFC के मंच को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जो नए लिखने वाले हैं उनको एक नया मौका दिया जा रहा है, मंच दिया जा रहा है. सबसे पहले चार लाइनों के साथ शुरुआत करती हूँ. लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, अब कलम से लड़ रही हूँ. आप सब का प्यार है ये. आप सब में मैंने TFC के मंच को और आप सब लोगों को शामिल कर लिया है. आप सब का प्यार है ये, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ. लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ. अब जब लिखने पढ़ने की बात है तो और चार लाइनें आज के माहौल से रिलेटेड आपको सुनाना चाहूँगी. माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा दिया, माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा दिया, ससुराल ने जीने का सलीका सिखा दिया. कुरान ने अच्छा इंसान बना दिया, कुरान ने अच्छा इंसान बना दिया. बेड़ा गर्क हो तुम्हारा सियासतदारों, जो इलेक्शन आते ही दोस्तों को हिंदू और मुसलमान बना दिया. अपने साथ घर भर की मायूसी लिए फिरते हो, अपने साथ घर भर की मायूसी लिए फिरते हो. हम जानते हैं उदासी की वजह, मगर देखना है कि तुम इस बार बोलोगे या नहीं. मैं आजकल ये सोचकर परेशान हूँ, मैं आजकल ये सोचकर परेशान हूँ कि तुम कभी मेरे बारे में सोचोगे या नहीं. मेरे घर का पता तो तुम्हारी गली के परिंदे भी जानते हैं, मेरे घर का पता तो तुम्हारी गली के परिंदे भी जानते हैं. अब तुम पर है कि तुम उनके पिंजरे खोलोगे या नहीं. एक नहीं का ही डर था मुझे, एक नहीं का ही डर था मुझे, तो मैंने पूछा ही नहीं कि तुम वापस लौटोगे या नहीं. जिंदगी तेरे मसले मुझसे क्यों ना हल हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं. जिंदगी तेरे मसले मुझसे क्यों ना हल हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं. इस तरह उलझ गए हैं सब में कि हम बस दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं. अब लड़कियों की तरफ से मैं आप सबके सामने, यहाँ पे जेंट्स लोग ज़्यादा प्रेजेंट हैं, लेकिन वो अपनी मम्मी भाभी चाची मामी उन सब की ज़िंदगी से रिलेट करके देखिएगा इसे जो मैं लिख के लाई हूँ. और इसका जो टाइटल है वो है, शीर्षक है, अधपकी गजलें. आपकी होती होंगी अनकही या अधूरी गजलें, आपकी होती होंगी अनकही या अधूरी गजलें, मेरी तो ज़्यादा पकी या अधसिकी रह जाती हैं. सोचती हूँ जब तलक इन्हें मैं ठीक करूँ, सोचती हूँ जब तलक इन्हें मैं ठीक करूँ, सारे घर की रोटियाँ बन जाती हैं. कुछ अल्फाज मेरे शरबतों में घुल जाते हैं, कुछ अल्फाज मेरे शरबतों में घुल जाते हैं, कुछ शब्द मेरे कपड़े और बर्तनों के साथ धुल जाते हैं. कुछ अल्फाज मेरे शरबतों में घुल जाते हैं, कुछ शब्द मेरे कपड़े और बर्तनों के साथ धुल जाते हैं. आपके होते होंगे अनकहे नगमे, मेरे तो आंगन में पड़े कागज के टुकड़ों में मिल जाते हैं. इतने मैं सोचती हूँ इन्हें बीन कर लाने की, इतने मैं सोचती हूँ इन्हें बीन कर लाने की, इतने कुछ उधड़े हुए कपड़े दोपहर में सिल जाते हैं. कुछ लम्हे मेरे इस कदर हैं छूट जाते, रिश्तों को निभाते निभाते, बच्चों को जगाते सुलाते, कि एहसास मेरे लगते हैं आँखों के आगे आते जाते. जिंदगी की भागदौड़ में उन लम्हों को पकड़ने मैं रोज जाती हूँ, और फिर ये लिखना लिखाना सब भूल जाती हूँ. पर जब दिन भर की थकन मुझ पर हावी हो जाती है, मेरी कलम और डायरी मुझे चुपके से बुलाती है. वो स्याह स्याही इस कदर चमकती है कि मेरी उंगलियाँ कुछ लिखने के लिए मचलती हैं. फिर कई रातें और दोपहर लगाने के बाद कुछ पन्ने रंग पाती हूँ. अपनी रूठी हुई सहेली उर्दू और हिंदी को मनाती हूँ.
फिर कुछ शब्द जोड़ती और घटाती हूँ, जैसे सारे घर का बजट बनाती हूँ, और इस तरह तमाम जद्दोजहद और कश्मकश के बाद थोड़ा सा कुछ लिख पाती हूँ। थोड़ा सा कुछ लिख।